सूरत में जा रही है, लेकिन मैं उनसे कभी नहीं जुड़ूंगी। ये आप लोगों को बता रही हूँ, मैं किसी को सफाई नहीं देती हूँ। और मैं आपको एक क्लिप डाल रही हूँ जो सूरत में जाके अयूब ने मुझे भेजा था, तो वो पहले आप सुनो, उसके बाद में आपको मैं बात करती हूँ। तेरे पे सब चढ़े, चल रख रख, चल पैसे लेके, चीटर ए चीटर, पैसे ले लिए, पैसे ले लिए 15 लाख 9 लाख रुपए दूसरे। मेरी अभी मेरी औरत का जो दागीने हैं ना, वो तो तेरे को देने ही पड़ेंगे। मेरी औरत के दागीने तो तेरे को देने ही पड़ेंगे, तू लिख ले। सुना आपने, उसके बाद तुरंत मुझे एक और फोन आया, जो मैं फोन बातें करते करते, क्योंकि इतनी ये मैटर में मैं फंसी हूँ ना, तो मैंने दूसरे फोन से वो रिकॉर्ड करी। और फिर वो भी क्लिक आपको डाल रही हूँ, आप अभी ये सुनिए। इसके बाद ये बातें हुई थी, ये सुनिए आप। बोल क्या, वो फोन कर रही थी? मैं फोन कर रही थी इसके। हाँ वो मैं थोड़ा एक जगह पे मीटिंग में थी। अमीन बोला, वो आंटी का बार बार फोन आ रहा है मेरे को। हाँ अयूब से बात करी मैं। हाँ हाँ, देखो भाई, अगर तुमसे नहीं होता तो थोड़ा थोड़ा करके दे दो, हटा दो, मत मचमच करो। मैं भी नहीं लफड़ा करना चाहती, अभी अपने उम्र नहीं लफड़ा करने की, जो पहले के दे दो। बता, मैंने तुमको 9 लाख रुपए ब्याज दिया हूँ और 15 लाख कैश दिया, मेरे उसका 17 लाख सोना दिया। मतलब तो कुरान पे मैं छोड़ दी, अब क्या बोल सकती हूँ। अभी देख, मेरे को तो कुछ मालूम नहीं। उस दिन भी तू मेरे घर आई, तू ऐसा बोली, तो मैं बोली नहीं देख, मुझे मालूम नहीं, मुझे पूछने दे उसको। वो पूछी, उसने मुझे एक्सेप्ट किया। मैंने तेरे को सामने क्या बोली, देख वो बोल रहा है मेरे से। हाँ मैं देख झूठ बात करती नहीं, मेरे को झूठ पसंद भी नहीं है। मैं जो सच बात है वो बात पे मैं मरती हूँ। तो मैंने उसको समझा के बोली, तो उसने मेरे को क्या बोला कि देखो, काम के सिलसिले में काम के लिए लिया था, वो काम वाला भाग गया, गोरी में डर गया था। तो मैं बोली अभी क्या करने का, तो मैं बोली अभी देख जिसका लिया उसको तो देना पड़ेगा। तो वो क्या बोला, ठीक है जैसा करेंगे। तो फिर मैंने तेरे को, मैंने क्या बोली, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा आदमी है, मैं क्या करूं, तू मेरी दुकान ले ले या तो फ्लैट ले ले, दोनों में से मैंने तेरे से वादा करी थी। बराबर, तूने फिर दुकान के लिए बोली कि जान दे मेरे पास इतना पैसा नहीं है। छोड़ो, वो बात खत्म हो गई। हाँ हाँ, लोग हंसेंगे, मजे लेंगे, खाली खुद सब चढ़ाने काम करते। सुन मैं क्या बोल रही, अभी मेरे को देखो कुछ भी देख, ना मेरे को ए मालूम है ना बी मालूम है, तू खुद भी बता, मुझे कुछ मालूम है इसमें। मैं सिर्फ तेरी बात पे यकीन करके मैं हामी भरी, और उसने हाँ बोला तो मैंने, मेरे बच्चे ने तेरे को हमेशा हामी भरे थे। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोला कि ऑनलाइन तू बोलती है ना ऑनलाइन, तो मैंने खुद बोला कि ऑनलाइन आपको खेलना ना, ठीक है आप ऑनलाइन खेलो। तो उसके बाद उन्होंने फिर जो हमारी मुकद्दस किताब है, जिसको लेके मैं झूठी नहीं थी इसलिए मैंने दुनिया के सामने कसम खाई, उन्होंने मुझे धमकी देने के लिए एक मुकद्दस किताब को लेकर कसम खा के बहुत सारी बातें बोलकर वो वीडियो मुझे सेंड किए हैं, और वो मेरे पास है। अगर वक्त आएगा तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं।